आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। सीयूईटी को लेकर विश्वविद्यालयों के बीच बढ़ा रुझान, अगले साल तक देश के आधा से ज्यादा विश्वविद्यालयों को जोड़ने का लक्ष्य। बिहार में पुल का हिस्सा गिरने के लिए आईएएस अधिकारी ने तेज हवाओं को बताया जिम्मेदार, हैरान रह गए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। सरकार जांच परख कर दुरुस्त करेगी राजद्रोह कानून, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। यूपी उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी, खत में जैसे मोहम्मद का नाम अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में न चढ़ने देने के मामले में इंडिगो के सीईओ ने खेद जताया, डीजीसीए ने गठित किया जांच दल। बाबू सुप्रियो के सहयोगी पर सीबीआई का शिकंजा, ठेके में मदद दिलाने की एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। श्रीलंका के बिगड़ते हालात पर भारत की पैनी नजर, सरकार को चिंता कि कहीं चीन न उठा ले हालत का फायदा। नागपुर में आतंकी हमले की साजिश हुई नाकाम, रेलवे स्टेशन पर मिला 54 डेटोनेटर से भरा बैग। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू बोले, अंग्रेजी के सामने से चला आ रहे थे 1500 कानून, हमने हटाया, राजद्रोह कानून भी पुराना। शाहीनबाग के बाद दिल्ली में जगह बुलडोजर कार्रवाई, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मंगोलपुरी में तोड़ा गया अवैध निर्माण। सुप्रीम कोर्ट का नीट सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में कट ऑफ अंकों में हस्तक्षेप से इनकार, कहा नहीं कर सकते योग्यता की अनदेखी। सीडब्ल्यूयूसी बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी बोली, कर्ज चुकाने का समय आ गया, नहीं टूट पाएगा आत्मविश्वास। मोहाली ब्लास्ट को सीएम केजरीवाल ने बताया कारनामा हरकत, बोले शांति भंग करने की हो रही कोशिश। इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमले के बाद अलर्ट, सीएम भगवंत मान बोले माहौल खराब करने को नहीं बख्शा जाएगा। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मरणोपरांत मिला पुलित्जर अवार्ड, तालिबानियों ने ली थी जान। अमेठी में खाकी से नहीं मिला इंसाफ, सांसद ने लगाई मदद की गुहार, 20 दिनों तक युवक घर से था लापता। बिजनौर में किड्स प्ले स्कूल की छत गिरी, हादसे के बाद टूटी प्रशासन की नींद, मलबा गिरने से स्कूल में मची अफरा तफरी। गाजीपुर में चोरों के हौसले बुलंद, बैंक को बनाया निशाना, लाखों के आभूषण और नकदी लेकर फरार। मुरादाबाद में तीसरी मंजिल से सुसाइड की कोशिश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
रायबरेली में ससुराल से तंग आकर युवती ने खाया जहर, हालत बिगड़ने पर कराया भर्ती। बिजनौर के पटाखा गोदाम में विस्फोट, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, कारीगर गंभीर रूप से घायल। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही मस्जिद हटाने के मामले में सुनवाई चली। महाराष्ट्र और दिल्ली में सरेंडर की फिराक में कांठ थाने का हिस्ट्री सीटर फही मेटियस पुलिस ने बिछाया जाल। आगरा के सरकारी अस्पताल में बेटा हुआ तो हजार, बेटी हुई तो 500 रुपए देना पड़ता है नवजात टैक्स। लखनऊ के स्कूल बस में बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा था संचालक, मुकदमा दर्ज किया गया। बरेली के कॉलेज में अभिभावकों को भी बनाया था बंधक, एसएसपी के पास पहुंची शिकायत। रायबरेली सीएचसी में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की डांट, बेअसर, अस्पताल के बाहर तड़पता रहा मरीज और डॉक्टर रहे नदारद, वीडियो हुआ वायरल। दिक्कत हुई दूर, नोएडा गाजियाबाद समेत पूरे यूपी के लोग अब जमा कर सकेंगे बिजली बिल। टीवी पत्रकार अमन चोपड़ा की तलाश में राजस्थान की पुलिस ने नोएडा में डाल रखा है डेरा। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा, व्यक्तिगत विरोध किसी भी तरह राजद्रोह नहीं हो सकता। वर्टिकल गार्डन से बढ़ा रहे गोरखपुर शहर की सुंदरता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की थी पहल। लखीमपुर में युवक को मारी गोली और चाकू से गोदकर की हत्या, चार दिन पहले हुई थी शादी। मेरठ में शादी समारोह के दौरान नान में थूकने का वीडियो वायरल, आरोपित को पुलिस ने हिरासत में लिया। मेरठ में भ्रष्टाचार में निलंबित महिला थाना प्रभारी, केएसटीएफ में तैनात दरोगा पति भी जांच के दायरे में। लुधियाना में शराब पीकर दो दोस्त भिड़े, एक ने सिर पर तवा मार कर दूसरे की हत्या। आगरा मेट्रो की पटरिया न चटकेंगी और न टूटेंगी, ताजमहल से सिकंदरा ट्रैक पर काम तेजी से चल रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक, आगरा को लेकर मौसम विभाग ने जताया अनुमान। आईआईटी कानपुर में पढ़ेंगे यूपी के सरकार स्कूलों के 22,000 शिक्षक, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की पहल। प्रयागराज में वृद्ध महिला और युवक का शव कुएं में मिला, अलग अलग इलाके में हुई घटना। कानपुर में चालक का शव रखकर फैक्ट्री गेट पर हंगामा, स्वजन कर रहे मुआवजे की मांग।
लखनऊ में जाम के मुद्दे पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, जिम्मेदारों को नोटिस जारी। वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने का ताला खोलकर कमीशन की कार्यवाही की मांग, मस्जिद में किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है प्रवेश। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक की टक्कर में 5 की मौत, एक बाइक पर सवार थे 6 लोग। पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा 92 में तथाकथित मस्जिद और अब 22 में ज्ञान वापी मस्जिद ध्वस्त करेंगे। प्रेसिडियम स्कूल के 3 प्रबंधकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 2,62,000 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप। कपाट खुलने के बाद से केदारनाथ में मौसम ले रहा कड़ी परीक्षा, ठंड बढ़ने के साथ ही 0 से नीचे आ रहा है तापमान। लगातार बढ़ रहे तीर्थ यात्री, अब केदारनाथ और यमुनोत्री में यात्रियों की संख्या होगी नियंत्रित। उत्तराखंड उपचुनाव 2022 में कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची, कापड़ी समेत अल्मोड़ा विधायक का नाम नहीं। गढ़वाल के लंबे दौरे में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में महारा सफल, उपेक्षा दूर करने का फॉर्मूला सुझाएंगे महारा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, पिंकी ने मौत से 10 मिनट पहले भेजा था मैसेज कमिंग सून, लेकिन घर लौटा उसका शव। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर निभाई जाती है अनूठी परंपरा, श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है कृत कंबल। उत्तरकाशी में आग का तांडव, एक दुकान और मकान खाक, रुड़की में फर्नीचर और लकड़ी का गोदाम जलकर स्वाहा। हजार हेक्टेयर जंगल को भारी नुकसान, कुमाऊ क्षेत्र के जंगल को ज्यादा हानि। चार धाम यात्रा 2022 में उत्तरकाशी में 16 घंटे बाद शुरू हो पाई डीजल की आपूर्ति, घंटों जाम में फंसे रहे सैकड़ों यात्री वाहन। ऋषिकेश में गंगा में नहाने के आश्रम का गार्ड दूबा, रुड़की में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। उधम सिंह नगर में स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार, मुकदमा हुआ दर्ज। प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस में श्रेय लेने की होड़, शामली पुलिस बोली लुटेरों को हमने पकड़ा, देहरादून के एसएसपी ने कहा संयुक्त अभियान में हुई गिरफ्तारी। रुड़की में बीएड की छात्रा को मैसेज भेजकर बना रहे थे दोस्ती करने का दबाव, पुलिस ने 2 युवकों को लिया हिरासत में। किशोरी से युवक ने किया दुष्कर्म, विरोध करने पर आरोपितों के स्वजन ने पीड़िता के परिवार को धमकाया। उत्तराखंड में चुनावी घोषणाओं में दिया जा रहा रोजगार, हकीकत में 5 साल में 1% को ही मिली जॉब। श्रीलंका में आर्थिक हालत बेहद खराब, हिंसा और आगजनी में 5 की मौत, कई जगहों पर कर्फ्यू।
सीजफायर के बीच रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता करने को तैयार है जर्मनी और फ्रांस। चीन ने ताइवान के समीप फिर किया सैन्य अभ्यास, चांवान की समुद्री सीमा में घुसे चीनी नौ सैनिक को। शाओमी पर हुई ईडी की कार्रवाई से बौखलाया ड्रैगन, भारत को ही देने लगा है नसीहत। सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता में वॉशिंगटन पोस्ट ने जीता पुलित्जर पुरस्कार। क्यूबा की राजधानी हवाना के होटल में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हुई। तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान में बढ़ी बेरोजगारी, 9 लाख अफगानों ने खोई नौकरी। श्रीलंका में गुस्साई भीड़ ने मंत्रियों के घरों में लगाया आग, स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा अमेरिका। मार्क जुकरबर्ग ने की पुष्टि, इंस्टाग्राम इस सप्ताह एनएफटी का परीक्षण करेगा शुरू। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार को दी चेतावनी, 20 मई को 20 लाख लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद। एडवाइजरी सर्विस आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला 595,630 रुपए है प्राइस बैंड। क्रिप्टो करेंसी बाजार में जबरदस्त गिरावट, निवेशकों की आधी वेल्थ हो गई कम। एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बढ़ाई उधार दरें, ऑटो होम और पर्सनल लोन होंगे महंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना से करोड़ों लोगों को मिला लाभ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विस्तार से दी जानकारी। इंडियन ओवरसीज बैंक ने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट बढ़ाया, लोन होगा महंगा। एचडीएफसी ने लॉन्च किया एक्सप्रेस कार लोन, ग्राहकों को 30 मिनट में मिलेगी सुविधा, ग्राहकों के लिए शुरू की गई एंड टू एंड डिजिटल नई कार लोन पॉलिसी। रेनबो मेडिकेयर की कमजोर लिस्टिंग, 6% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुए शेयर। आईटीआर के नियमों में हो गया बदलाव, आमदनी छूट सीमा के अंदर होने पर भी लोगों को दाखिल करना होगा रिटर्न। कैब कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम, सरकार ने अधिकारियों को किया तलब, सरकार ने बुलाई कैब एग्रीगेटर्स की बैठक। नई माओ को रेलवे ने दी खास सुविधा, ट्रेन में लगाई गई बेबी बर्थ, सुविधा को अभी ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया। ऑरेंज कैब की सूची में बटलर और राहुल का एक दूसरे को पीछे करने की होड़, नंबर वन पर बरकरार है बटलर। युजवेंद्र चहल के पर्पल कैप पर मंडराया खतरा, केवल एक विकेट से पीछे है स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा।
कोलकाता की जीत के बाद अंक तालिका में बड़ा बदलाव। मुंबई सबसे नीचे बरकरार, लखनऊ और गुजरात लगातार टॉप चार में है। फरवरी मार्च में बहुप्रतीक्षित सीरीज के लिए भारत आएगी ऑस्ट्रेलिया टीम, पिछड़ा एडिशन रद्द था भारत के नाम। एमएस धोनी ने बतौर कप्तान टी20 में पूरे किए 6000 रन, लेकिन विराट कोहली अब भी नंबर वन। हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा की प्रतिक्रिया, बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन को बताया हार का कारण। मुंबई को मिली 9वीं हार, कोलकाता ने 52 रन से जीता मुकाबला। मुंबई की टीम महज 113 रन पर ढेर हो गई। बुमराह ने आईपीएल में पहली बार एक मैच के लिए 5 विकेट किया टी20 करियर का बेस्ट प्रदर्शन। डेवोन कोनवे ने दिल्ली के खिलाफ बड़ी पारी का श्रेय अपने कप्तान एमएस धोनी को दिया। मुंबई टीम को लगा बड़ा झटका, स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आईपीएल 2022 से हुए बाहर। कैमरून की अवतार 2 का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन से नहीं हटा पाएंगे नजर। रणबीर कपूर के फैन ने उन्हें फुटबॉल मैच के दौरान कहा आई लव यू, दिल जीत लेगा, अभिनेता का रिएक्शन। शहनाज गिल ने पहली बार बॉलीवुड डेब्यू को लेकर तोड़ी चुप्पी, सलमान खान संग काम करने को लेकर दिए जवाब की हो रही चर्चा। एक दशक बाद ब्राउन से करेंगी वापसी वेटरन एक्ट्रेस हेलेन, करिश्मा कपूर के साथ निभाएंगी दमदार किरदार। शर्मा ने दादा पंडित सुखराम के निधन से जुड़ी अफवाहों को किया खारिज, कहा मेरे दादाजी बहादुरी से लड़ रहे हैं। तैमूर अली खान ने छोटी सी उम्र में करीना कपूर और सैफ को महसूस करवाया गर्व, ताइक्वांडो में मिला येलो बेल्ट। दीक्षित की बहनों के साथ वायरल तस्वीर देख फैंस हुए हैरान, कहा इन्हें पहले कभी नहीं देखा। जॉनी कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की शूटिंग हुई शुरू, निर्माता करण जौहर ने शेयर की एक झलक। रिलीज हुआ भूल भुलैया 2 का दूसरा सॉन्ग हम नशे में तो नहीं, रोमांस करते देखिए कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी। रणवीर सिंह ने की शाहरुख खान की जमकर तारीफ, कहा उन्हें भारतीय मनोरंजन को वैसा ही बना दिया जैसे वो है। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।